दिल्ली के शारदा मर्डर केस पुलिस ने साकेत कोर्ट में मंगलवार को चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपी आफताब के खिलाफ करीब 6000 पन्नों की चार्जशीट में दाखिल पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि घटना वाले दिन श्रद्धा अपने दोस्त से मिलने गई थी और जब वो वापस लौटी तब आफताब ने गुस्से में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी आफताब के खिलाफ 6000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दायर की है। लिव इन पार्टनर की हत्या पर शव को 35 टुकड़े करने के मामले में पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर जांच कर रही थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि श्रद्धा की 18 मई को हत्या हो गई थी। पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट में आरोप लगाए गए हैं। आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी थी और हत्या के बाद शव के करीब 35 टुकड़े किए गए थे। आफताब ने श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रीजर में रखा था और फिर उसने महीनों तक श्रद्धा के टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाया। इंसिडेंट हुआ है उस दिन ये अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, अपने मित्र से, तो जिसके आधार पे ये वायलेंट हुए हैं और फिर ये इंसिडेंट मर्डर का हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।